वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता राजा व्लॉग में। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही होना चाहिए फ्रेंड्स। और आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 7:30 और मैं 7:30 से व्लॉग स्टार्ट की हूँ। और आज है संडे, तो आप लोगों की होली की तैयारी हो चुकी है या नहीं, आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों ने क्या क्या बनाया है। फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे रख दी हूँ सोयाबीन को पानी में बॉईल करने के लिए। तो गैस पे चढ़ा चुकी हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे ना पापा और बच्चों की चल रही थी मस्ती, तो मैंने भी ये कैप्चर कर लिया। दोनों भाई बहन खेल रहे थे और इनके बीच में बताऊँ क्या, इसी तरह से खेलते खेलते ना हो जाती है दोनों के बीच में लड़ाई। और यहाँ पापा भी उनके साथ में खेलने लग गए थे, देख सकते हो आगे, और डांस भी कर रहे थे, लेकिन मैंने बीच बीच में कट भी कर दिए हैं। और देखो कितने अच्छे से मस्ती कर रहे हैं तीनों के तीनों। काफ़ी अच्छा लगता है कि जब एक साथ रहते हैं बच्चे और पापा तो खेलने लग जाते हैं, और मैं लगी थी उस टाइम किचन। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना सोयाबीन की बड़ी हो चुकी है बॉईल, तो अब इसे मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पे निकालने के बाद में जो पानी बचा हुआ है उसे मैं बाहर डाल दूँगी, क्योंकि उसे सब्जी में मैं यूज़ नहीं करूँगी। अब उसी तरह से मैं कढ़ाई में ले चुकी हूँ तेल, और तेल में यहाँ ना प्याज और जीरा ये सब फ्राई कर लूँगी। और थोड़े से मैंने ना कोकोनट भी डाले थे तो वो स्किप हो गया है शायद, तो वो भी मैं डाल के और यहाँ बना चुकी हूँ पेस्ट। उसे थोड़ा हल्का सा ब्राउन होते तक फ्राई की थी। और पेस्ट बनाने के बाद में मैं यहाँ लगा चुकी हूँ तड़का, तो देख सकते हो तड़का लगाने के बाद में, उसके बाद में यहाँ हल्दी नमक मिर्च मैंने डाल दी हूँ फ्रेंड्स। और उसके बाद में जैसे कि ये मिक्स होने के बाद में एक दो मिनट के लिए थोड़ा सा भून लूँगी, और उसके बाद में मैं डाल दूँगी टमाटर। यहाँ टमाटर को तब तक भूनूँगी जब तक वो पिघल जाए, और पिघलने के बाद में ही मैं यहाँ देख सकते हो ग्रेवी। और क्या हुआ ना कि मैं यहाँ फ्राई कर दी थी और थोड़ा सा वहाँ से हट गई, तो मेरे हस्बैंड को लगा कि मैं मटर भूल चुकी हूँ, तो उन्होंने मटर यहाँ डाल दिया था, तो वो मैंने ऐड नहीं कर पाई। और यहाँ सब कुछ अच्छे से पिघल चुका था, और मैंने डाल चुकी हूँ सोयाबीन की बड़ी, और यहाँ मिक्स वगैरह करके उसके बाद में ना थोड़ा ढक के रख दी थी 2-3 मिनट के लिए। और उसके बाद में मैं यहाँ डाल रही हूँ गर्म पानी। ये तैयार हो चुकी है मटर और सोयाबीन की बड़ी की सब्जी, और काफ़ी टेस्टी लग रहा है मुझे देखने में। अब मुझे तो नहीं पता कि आप लोगों को कैसे लग रहा है। बच्चों को खाना दे रखे हैं क्योंकि दोनों बच्चे बैठ चुके हैं, और ये कर रहे हैं अपने कपड़े को, ड्यूटी वाले ड्रेस को आयरन, तो अभी वो आयरन करके आएंगे तब हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। और यहाँ पे मैंने बर्तन धो दिए थोड़े बहुत, जैसे खाना बनाते बनाते बच जाते हैं ना, तो धो दिए हैं बर्तन। और यहाँ मेरी जिया खाना खा के आ गई है प्लेट लेके मार्च में, और यहाँ पे ये कर रहे हैं आयरन। अच्छा। और नंदन से बात कर रहे हैं। अब हम लोग खा रहे हैं खाना क्योंकि इनका हो चुका है आयरन, तो अब मैं लेके चल रही हूँ खाना। राधे राधे, फिर से मैं मॉर्निंग में मिल रही हूँ, और अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 8:20, और अभी हस्बैंड को मतलब लंच वगैरह दे दिए हैं और हस्बैंड जा चुके हैं। और अभी मैंने बनाए हैं अरबी की सब्जी, और बच्चे वगैरह अभी जस्ट उठे हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चे वगैरह उठ के इधर बैठे हुए हैं, ब्रश वगैरह कर लिए हैं, अभी बाथिंग नहीं किए हैं। और जिया का कुछ मैम ने भेजा है शायद वर्कशीट, तो वो देख रही है। और हर्ष, जाओ बेटा जल्दी से आप। तो फ्रेंड्स, अब मेरे काम पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, पोछा वगैरह सब कुछ मैंने कर दिए है, और अब हो गए 11:30, और अब 11:30 नहीं 11:20 हो रहे हैं। और मैं लगा देती हूँ फुटमैट, क्योंकि फुटमैट भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है ना, नहीं तो जितने हम क्लीनिंग किए हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स, मैं लगा रही हूँ फुटमैट क्योंकि सारा क्लीनिंग होने के बाद में ना लास्ट फुटमैट ही बचता है, अगर ना रखो तो। आजकल पता है क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा धूल आने लग गए हैं घर में, और उसी को फिर पैर पैर में होने लग जाते हैं। और ये मेरा लास्ट काम है, और इसके बाद तो अभी लिविंग रूम में लगा दी हूँ मैंने फुटमैट, अब मुझे लगाना है इधर बेडरूम में। तो मैं क्या करती हूँ ना कि धूप में डाल देती हूँ फ्रेंड्स, जब तक थोड़ा सा ना सूख जाता है। तो फ्रेंड, जैसे कि ना आज मंडे है तो काफ़ी लेट हो जाता है काम करने में, क्योंकि संडे को ना सारा काम मतलब जैसे सभी घर पे होते हैं ना, तो काम काफ़ी फैल जाता है, तो वही सब सिमटने में लेट हो जाती हूँ। अब यहाँ आ चुकी हूँ मैं बाथरूम में कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कई सारे कपड़े हैं ना जो हैंड से ही वॉश करनी होती है, मशीन में नहीं निकल पाते हैं। जैसे कि बच्चों के वाइट शर्ट है जो बिल्कुल भी नहीं निकल पाता है, जो लग जाते हैं ना गंदे जैसे कॉलर्स में और कफ में, तो वो नहीं निकलते हैं, इसलिए हैंड वॉश ही करनी होती है।
तो फ्रेंड्स आज है ना जैसे मंडे है तो काफ़ी लेट हो गया है काम मेरा, क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं ना तो फिर उसमें क्या है ना सुबह इनका ब्रेकफास्ट वगैरह भी लेट हो जाता है। अगर स्कूल जाते हैं तो सारा काम सुबह ही निपट जाता है, लेट नहीं हो जैसे फिर अपने काम में लगे रहो, लेकिन ये होने से तो फिर इनके पीछे भी तो लगना होता है। इस वजह से आज मैं लेट हो गई। और देख सकते हो थोड़ा हमारे बाथरूम में ना बीच में इतना गंदा तो नहीं है, लेकिन कैमरे में ना थोड़ा वहाँ पे गंदा सा दिखाई दे रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। फ्रेंड्स फाइनली अब जाके मेरा काम कंप्लीट हो चुका है और खाना वगैरह भी खाई। अभी तो कोई टाइम नहीं है ब्रेकफास्ट और लंच का, तो ऐसा कोई टाइम नहीं है, दोनों मेरा हो चुका है एक साथ ही, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका था, फिर पूजा वूजा करते करते ना काफ़ी टाइम हो गया और आज लेट भी हो गई मैं काम में। और चलो आज हम व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ में। और प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो और आप लोग व्लॉग देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि कि आप लोगों को हर एक नए वीडियो मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।